कोविड में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण करेगी हरियाणा सरकार। बिना कानूनी सलाह के बच्चों को गोद ना ले, अनाथ बच्चे कहीं मिलते हैं तो उनकी जानकारी जिला चाइल्ड केयर सेंटर व हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दे। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दी जानकारी। उपायुक्त बुधवार को जिला बाल संरक्षण कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बेसहारा बच्चों के पालन के लिए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। अनाथ बच्चों को गोद लेना या देना गैर कानूनी है और यह एक दंड अपराध है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कोविड जैसी महामारी का फायदा उठाकर अनाथ या बेसहारा बच्चे को नुकसान पहुंचाता है तो कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना पुलिस के 100 नंबर पर या महिला एवं बाल विकास विभाग में दे सकता है। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के दौरान अनाथ व बेसहारा बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी अब हरियाणा सरकार की है। बैठक में चाइल्ड केयर संस्थानों में रह रहे बच्चों को वैक्सीन लगाने की मांग की गई। उपायुक्त ने बैठक में कहा कि शीघ्र ही 18 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बैठक में चाइल्ड लेबर पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इसके लिए गांव व खंड स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। किसी नाबालिग को बंधुआ बनाकर मजदूरी ना करवाए, यदि कोई करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज की इस बैठक में CWC से जुड़े कई मुद्दों पर विचार किया गया। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।